दोस्तों, मेरा नाम विकास है। अर्निंग नॉन अनलिमिटेड चैनल में आपका स्वागत है। और आज का जो एक वीडियो बनाया है मैंने, वो एक टॉपिक पे बनाया है कि जब 2 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस पे खबर छपी थी जी LIC माइट बी इन द गवर्नमेंट रडार फॉर द पोटेंशियल पब्लिक लिस्टिंग, उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है। अगर ये LIC का IPO आता है तो ये मार्केट में क्या बूम कर सकता है, या फिर ये IPO कितना बड़ा हो सकता है, इसके बारे में। दोस्तों, LIC इज़ द लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंडिया। हम सभी जानते हैं बहुत बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, बहुत पुरानी इंश्योरेंस कंपनी है और बहुत ही लोग फेथ करते हैं इस पर, और बहुत सारे लोग इसमें काम करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में। और अगर देखा जाए तो रिलायंस है, टाटा है, इनसे भी ज़्यादा फेथ, या फिर ये कह सकते हैं कि इनसे भी ज़्यादा बड़ी कंपनी है। और हम बात करें कि बहुत, मतलब काफ़ी पुरानी कंपनी है। अगर हम इंश्योरेंस पॉइंट ऑफ व्यू बात करें तो 25 कंपनियां लगभग इंश्योरेंस में, लाइफ इंश्योरेंस में ये नंबर वन है, और लगभग स्टेक जो होगा इनका मार्केट में लगभग 70% के आसपास है। बाकी 30% सारी बारी बाकी कंपनियां हैं। तो बहुत बड़ी कंपनी है, देखते हैं इसके बारे में और थोड़ा सा जानते हैं। दोस्तों, मैं आगे बढ़ने से जो चाहूँगा, मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। दोस्तों, जो भी बजट आया था उसमें एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी, द बजट हैड ऑलरेडी प्रपोज्ड अ मिनिमम पब्लिक होल्डिंग 35% ऑफ द लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी में 35% की हिस्सेदारी रिटेल निवेशकों की जाती है। तो ये बहुत बड़ा बजट आया था। अगर इसको हम देखें तो इसको हम ध्यान में रखें, और ये जो LIC के बारे में बात कर रहे हैं IPO आने के बारे में, शायद इन फ्यूचर में आए तो क्या हो सकता है। बट द कॉरपोरेशन इज़ नोन द हैंडल ह्यूज फंड्स। इसके फंड्स के बारे में बात करते हैं। कंपेयर टू द स्मॉल कैपिटल बेसिस, द मार्केट वैल्यू ऑफ द LIC इन्वेस्टमेंट 8.61% के आसपास के हिसाब से ईयर ऑन ईयर ये ग्रोथ कर रहे हैं। अगर हम 2017, 18 और 18-19 की बात करें तो 2.25 के आसपास, लगभग 2.23 लाख करोड़ के आसपास इनको इनकी ग्रोथ हुई है एज़ पर द मनी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ये बहुत बड़ा है। अगर इनके एसेट्स की बात करें तो 31.11 लाख करोड़, जो कि 9.38% के हिसाब से इनकी ग्रोथ हुई है एसेट्स की। तो एसेट्स की बात करें या फिनंशियली बात करें तो उसमें काफ़ी ग्रोथ हुई है, करीबन 1 लाख करोड़ की। तो ये बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों। इससे ये पता चलता है कि कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, बहुत बड़ी कंपनी है, और लोग इस पर फेथ भी करते हैं। दोस्तों, 2017-18 के LIC का प्रॉफिट की बात करें तो 48,444 करोड़ रुपए का हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को LIC जो है 5% पेड करती है, 95% जो कि ये रिटर्न कर देते हैं पॉलिसी होल्डरों को। अगर हम इनके अकाउंट्स की बात करें, न्यू एंड रिन्यूअल प्रीमियम की बात करें, तो करीबन 33 करोड़ रुपये का इनको रिन्यूअल प्रीमियम कलेक्ट हुआ है। ग्रोथ देखें तो 6.08% की है। तो ये कोई छोटा नंबर नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा, रिलायंस और ये टाटा को भी टक्कर दे सकते हैं, पीछे कर सकते हैं। इनकी प्लस क्वालिटी क्या है, ये रूरल एंड डेवलप दोनों सिटीज़ में या गांव में, शहर में, हर जगह आपको ये दिखेंगे। इनके एजेंट हर जगह दिखेंगे, जो इनकी कंपनियाँ हैं वहाँ पे ये लोग दिखेंगे। ये बहुत प्रचार भी करते हैं बहुत जगह, इसीलिए इनको काफ़ी लोग जानते भी हैं। तो और दूसरा, काफ़ी लोगों की इनकम इससे चल रही है। तो ये वेल नोन कंपनी है, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारी देखा जाए तो स्टॉक्स में इनकी होल्डिंग्स भी है, म्यूचुअल फंड्स में भी कर रखी है इन्होंने काफ़ी होल्डिंग, बहुत कंपनियों को सहारा भी देते हैं। तो इसे गुड कंपनी है, बहुत लोगों को ये काम दे रहे हैं। दोस्तों, अगर हम इनके प्रीमियम जो इन्वेस्टमेंट इनकम हुई है 2018-19 की उसकी बात करें तो करीबन 5,60,000 करोड़ रुपए के आसपास, और परसेंटेज की बात करें तो 7.10% इनकी रही है ग्रोथ। अगर हम दोस्तों बात करें तो बहुत पुरानी कंपनी है, लोग इस पर फेथ करते हैं, और करीबन IRD के अधीन है ये सब लोग, सारी प्राइवेट कंपनियाँ चाहे गवर्नमेंट हो, ये सब IRD के अधीन है। तो ये एक विश्वास इस पर भी होता है। और दूसरा, वेल नोन कंपनी है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स में स्टेक्स है इनका, गांव देहात शहर हर जगह मिल जाएंगे, इनके एजेंट भी काम कर रहे हैं हर जगह। और पुरानी कंपनी है, बहुत जगह इनके ऑफिसेस हैं, हर जगह ऑफिसेस दिखेंगे। तो बहुत वेल नोन कंपनी है। अगर इसका IPO आता है
तो ये तहलका मचा सकता है, या ये अब तक का सबसे बड़ा IPO भी हो सकता है। तो दोस्तों जो मैंने वीडियो बनाया एक न्यूज़ के बेस पे मैंने बनाया थोड़ा सा, तो मुझे आशा है कि ये समझ में आएगा, अच्छा लगा होगा। और आपको कोई वीडियो बनवाना हो या क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स पे जाके आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।